वेव लेंथ है, लेंथ की यूनिट्स आपको पता ही हैं। यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं फिजिक्स में, खासकर एनडीए के। हमारा जो मेन मुद्दा है उसमें आते हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है वो है यूवी लाइट को पढ़ना, ठीक है। यूवी लाइट के बारे में देख लेते हैं, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। इसको मैं तीन कैटेगरीज में बांटूंगा बेटा, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी, ठीक है। इनकी इनका इनका जो वेवलेंथ है वो भी मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, लैम्डा मेंशन कर रहा हूँ ब्रैकेट में, 315 से लेकर 400 नैनोमीटर, ठीक है। यूवी बी की 280 से लेकर 315 नैनोमीटर, ठीक है। और यूवी सी है आपकी 200 से लेकर 280 नैनोमीटर, ठीक है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, अगर एनर्जी वाइज आपसे पूछे तो यू विल कम टू नो कि कहीं ना कहीं इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, एनर्जी कम है। कभी कभी अगर आपसे यू वी ए, यू वी बी, यू वी सी में पूछा गया कि किसकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। ये रटने की ज़रूरत नहीं, बट थोड़ा सा आपने इसमें पता होना चाहिए कि किसकी वेवलेंथ क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, इस रेंज में है, तो यू शुड नो, ठीक है। अच्छा, इन तीनों के बारे में थोड़े से दो कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। यू वी ए के बारे में लिख लेते हैं कि पार्शली, मैं एक डायग्राम भी बनाऊंगा, इट इज़ पार्शली एब्जॉर्ब्ड, पार्शली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। हाँ, पार्शली एब्जॉर्ब हो जाएगी बेटा, कहाँ पर? ओजोन लेयर इसको पार्शली एब्जॉर्ब करेगा एंड देन पार्शली पासिस, ठीक है, फिर अर्थ पे रीच करती है। सो पार्शली एब्जॉर्ब्ड एंड पार्शली एब्जॉर्ब्ड एंड एंड पार्शली पासिस बट एक्सेसिव अल्ट्रा वॉलेट ए कॉजेस रिंकल्स एंड एजिंग इफेक्ट, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही घातक है, इट कॉजेज रिंकल्स एंड एजिंग इफेक्ट, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ओके चलो, ठीक है, पार्शली एब्जॉर्ब एंड पार्शली पासिस, ठीक है, एंड बट एक्सेसिव यू वी ए कॉजेस, ठीक है। आपने देखा होगा, इंडियंस तो नहीं लेकिन फॉरेनर्स यू हैव सीन, दे टेक सन बाथ, ठीक है। हाँ, और डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि आप लोग भी जब भी वॉक में जाओ तो शॉर्ट्स में जाया करो, ठीक है, टी शर्ट्स पहनो, स्लीवलेस टी शर्ट्स पहनो, ओके। अच्छा, यू वी बी के बारे में लिख लेते हैं कि ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर बट अगर बाय द वे कहीं पर ओजोन होल है और कहीं पर अगर ये रे अगर अर्थ में पहुंच रही है तो उसका जो एक्सेसिव एक्सपोजर होगा इट कैन कॉज कैंसर, ठीक है। तो वही मैं लिखा रहा हूँ, बट एक्सेसिव बट इन केस ऑफ डिप्लीशन अगर ये डिप्लीट बट इन केस ऑफ डिप्लीशन कॉमा एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट बी पासेस एंड कॉज स्किन कैंसर कैटरैक्ट, व्हाट इज कैटरैक्ट? हाँ, मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक है, और इवन क्लोरोफिल डैमेज, तो प्लांट्स को भी इससे नुकसान है, क्लोरोफिल डैमेज एक्सेट्रा, ठीक है। यू वी बी वैसे तो कम्प्लीटली ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर डिप्लीट है, इफ ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड और अगर ये पास हो गई तो बेटा इट कैन कॉज कैंसर, कैटरैक्ट एज वेल एज क्लोरोफिल डैमेज, मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो। यू वी सी को कम्प्लीटली ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट बैक करता है, इसमें हम एक डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। हाँ,
ओजोन लेयर कंप्लीटली स्क्रीन आउट अल्ट्रावायलेट सी. So it does not enter into lower troposphere. ठीक है, तो ये enter नहीं करती, it does not enter in the lower troposphere. ठीक है, यही चीज़, इसी चीज़ को मैं एक डायग्राम के थ्रू भी आपको बता सकता हूँ. अगर एग्ज़ाम में आप सिर्फ डायग्राम देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, ऐसी चीज़ को हम डायग्राम से भी बता सकते हैं. ऐसे ऐसे और ऐसे. सपोज ये अर्थ है एंड ठीक है, यहाँ पर मैं ओजोन लगा, दिस इज द ओजोन लेयर. ठीक है, यहाँ से यू वी ए आई यहाँ से. ठीक है, यू वी ए, ठीक है, पार्शली एब्जॉर्ब ही. ठीक है, पार्शली एब्जॉर्ब ही और देन अर्थ पे आई नीचे. ठीक है, ये ओजोन लेयर है आपकी. अच्छा, फिर यू वी बी UVB क्या हुई आपकी? हाँ, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो गई. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो थर्मल इन्वर्जन आप देखते हो स्ट्रेटोस्फेयर में, इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ UVB, क्योंकि UVB को कम्प्लीटली ओजोन लेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया है. तो जो थर्मल इन्वर्जन आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है, थर्मल इन्वर्जन का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ रहा है. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में हमने उसका उल्टा देखा था, एज वी गेन हाइट टेम्परेचर फॉल्स डाउन, जिसको हम लोग लैप्स रेट कहते हैं. किस रेट से? अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ओके, तो ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड. और ये अगर यूवीसी आई तो ये कम्प्लीटली वापस रिफ्लेक्ट बैक स्क्रीन आउट. ठीक है, तो अगर आप ऐसा डायग्राम भी देखेंगे तो विल कम टू नो. इसके अलावा नीचे कुछ और पॉइंट्स मैं बताता हूँ. UVA also called black light UV, also called black light ultraviolet. अगला पॉइंट है UVC. UVC at 254 nanometer, ठीक है, UVC at 254 nanometer used in water purification. आप देखते हो ना RO के अंदर लगा रहता है UV. हाँ, RO आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी विथ UV सारी चीज़ें एंड ऑल. सो एट 254 नैनोमीटर यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन कॉमा एयर प्यूरिफिकेशन इन हॉस्पिटल्स टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसी में अगला पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जर्मिसाइडल यूवी. ठीक है, जर्मिसाइडल बिकॉज इट किल्स जर्म्स ना, इसलिए जर्मिसाइडल यूवी. यूवीसी इज जर्मिसाइडल. अच्छा, यूवीबी इज रिस्पॉन्सिबल और हेल्प्स इन विटामिन डी सिंथेसिस. ठीक है, बेसिकली विटामिन डी बेटा, इट स्ट्रेंथन्स आवर बोन. विटामिन डी
strengthens our bone, ठीक है, also called sunshine vitamin, ठीक है, अच्छा deficiency of vitamin D causes, ये भी हम पढ़ेंगे causes, ठीक है, अगेन ये लाइफ साइंस का पार्ट है, ठीक है, डिजीजेस डिफिशियंसी डिजीजेस हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम में बहुत आता है, तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में, ठीक है, रिकेट्स हड्डियों से रिलेटेड है, हड्डियों का सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स बेसिकली, ठीक है, फोटोग्राफ्स देखना ऐसे पैर ऐसे ऐसे हो रखे होंगे टेढ़े, क्योंकि बोन्स सॉफ्ट हो गई है ना, अपना वेट भी वो प्रॉपरली हड्डियाँ नहीं मैनेज कर पाती, तो थोड़ा सा, और बड़े बच्चों पे उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, इन एडल्ट्स ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, ठीक है, उसके अलावा इसको हम बहुत डिटेल में बाद में करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि विटामिन दे आर फैट सोल्यूबल एज वेल एज दे आर वाटर सोल्यूबल, ठीक है, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, दे आर ऑल फैट सोल्यूबल, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना जब भी इफ यू ईट मीट और एग्स और चिकन यू कैन गेट ऑल दिस विटामिन, ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन सी एंड विटामिन बी, तो मैक्सिमम फ्रूट्स ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल यू विल फाइंड विटामिन सी एज वेल एज बी, ठीक है, एंड वन मोर पॉइंट इन दिस दैट ओनली विटामिन डी एंड विटामिन के आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है, विटामिन के अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, क्लॉटिंग फैक्टर विल सी, ओनली विटामिन डी एंड विटामिन के आर सिंथेसाइज्ड, ये हमारे बॉडी में बनते हैं, आर सिंथेसाइज्ड विद इन आर बॉडी, ठीक है, विटामिन डी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को एक्सपोजर, जितने भी बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट्स खेलते हैं या आउटडोर एक्टिविटी में रहते हैं, तो उनको विटामिन डी उनकी बॉडी में होगा, लेकिन जो अंदर ही अंदर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ओके, ठीक है, इसमें एक और नोट हम लोग लिखेंगे, विल राइट वन मोर नोट इन दिस, ठीक है, दैट ओजोन कंसनट्रेशन, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ओजोन कॉन्सेंट्रेशन, ओजोन का भी बेटा कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है कहाँ थिक, वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन, हाँ, इट वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन, ठीक है, ओजोन का भी कंसेंट्रेशन सीजन टू सीजन चेंज होता है, इट वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन, लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड, ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स में आप देखोगे कहीं ना कहीं ओजोन की लेयर थिकनेस होगी, थिक होगी, हायर मतलब पोल्स की तरफ, ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे ये ऐसे, ठीक, ये जो लैटिट्यूड्स हैं ऐसे, ठीक है, हायर लैटिट्यूड, ये 0 degree है तो ऊपर 23.5, 66, ठीक है, देन 80, देन 90, तो जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जा रहे हो, तो यू विल फाइंड कि ओजोन लेयर थोड़ी सी थिक हो गई है वहाँ पर, ठीक है, तो लैटिट्यूडनल भी, ठीक है, मैंने बच्चों को ये भी बताया कि कभी कभी आप लोगों से ऐसा कहता है वो, आप लोगों से इंटरव्यू में ज़रूर पूछेगा कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा कि लैटिट्यूड्स हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, दे आर हॉरिजॉन्टल लाइंस जैसे कि आपको दिख रही हैं, लेकिन जो इसमें चेंज आएगा वो तभी आएगा जब आप वर्टिकली मूव करोगे, तो कैसे बोलते हैं वो आपको डेफिनेशन ऐसे बताते हैं आपको लैटिट्यूड्स, क्योंकि लैटिट्यूड्स गिव नॉर्थ साउथ, ऐसे बोलते हैं नॉर्थ साउथ एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 degree इक्वेटर, बच्चा पागल बोलता है नॉर्थ साउथ, ये तो मेरे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वो लाइन की बात नहीं कर रहा है, इज टॉकिंग अबाउट द चेंज, वो चेंज की बात कर रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा, इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, अभी मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, लैटिट्यूड है तो आप क्या बोलोगे, अगर आप सभी पूछेगा बोलोगे सर लैटिट्यूड्स आर नथिंग बट हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हो कि हाँ सर फॉर नेविगेशन फॉर डायरेक्शन सेंस वी यूज़ या इन ऑर्डर टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ वी यूज़ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना बोल सकते हो, लेकिन द मेन डेफिनेशन दैट इट गिव्स यू एंगुलर डिस्टेंस, यहाँ से इक्वेटर से
इक्वेटर से, ये जो भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको हिंदी में, जो इक्वेटर है, इक्वेटर से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कितना दूर है, ये 23.5 डिग्री दूर है। इसको कहते हैं डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एंगल, एंगुलर डिस्टेंस, और एक डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर है। राउंड ऑफ कैलकुलेशन के लिए आप इसको 100 किलोमीटर ले सकते हो। सपोज मैं कहूँ कि यहाँ से हमारा जो टारगेट है वो 2.5 डिग्री में है, ठीक है, लैटिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल, तो वो आप समझ जाओगे कितना दूर है। कितना दूर होगा? रफली 250 किलोमीटर्स, रफली 250 किलोमीटर्स, ठीक है। अगर मैं कहूँगी दिल्ली और यहाँ में एंगुलर डिस्टेंस में 2.5 डिग्री का फ़र्क है, तो आप इजली यू कैन कैलकुलेट व्हाट डिस्टेंस। तो ये फौज में सारी टेक्निक्स यूज़ होंगी बेटा, याद रखना, ठीक है, फौज में सारी टेक्निक्स यूज़ होंगी। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर देखो, आपका नाम क्या है बेटा? आंचल। आंचल बेटा, अगर आप यहाँ पर खड़े हो, सपोज आप यहाँ पर, और यहाँ से आप ऐसे मूव कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, तो कोई चेंज हुआ लैटिट्यूड में? कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। कहाँ हो आप? 0 डिग्री में ही हो। यहाँ से फिर आप यहाँ चले गए, इतना चले आप, कोई चेंज हुआ नहीं, 0 डिग्री में रहे। तो लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं करते। हाँ, अगर आप यहाँ से यहाँ चले गए तो क्या हो गया, आप हायर लैटिट्यूड्स में। तो जो चेंज है इसमें, दैट इज योर, दैट इज़ अ वर्टिकल चेंज है। ये खुद हॉरिजॉन्टल लाइंस, लेकिन चेंज वर्टिकल। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द चेंज दैट लैटिट्यूड्स गिव नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री बीच का रेफरेंस है, यहीं से मैं देखता हूँ कि यहाँ से मेरा नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस दूर है, यहाँ से ये भी 90 डिग्री है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 9999 किलोमीटर्स, अराउंड 10,000 किलोमीटर्स, आप सीधा चले जाओ नॉर्थ पोल, पहुँच जाओगे इक्वेटर से, ठीक है। हाँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट, ठीक है। तो वो डेफिनेशन के बारे में बाद में बात करूँगा। सो लैटिट्यूड्स, टू लैटिट्यूड्स, ओके, लैटिट्यूड्स टू लैटिट्यूड्स, and also, and also due to sun spot, ठीक है, radiations के वजह से भी हमने already देखा हुआ है। तो याद रखना कौन कौन से factors हैं जो ozone layer की concentration को या ozone की concentration को affect करते हैं, that you should know। season is one of the factor, latitudes, change in latitudes is one of the factor, and plus sun spot cycle is also one of the factor, ठीक है। तो exam में अगर पूछा जाएगा आपसे, ऐसा जाएगा कि ओजोन कंसंट्रेशन को किस पे वेरी करता है, तो आपको देगा 1, 2, 3, 1 देगा आपको सीजन, 2 देगा लैटिट्यूड्स, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ठीक है।